हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज ना मेरी नीज का बर्थडे है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं घर पर, क्योंकि बच्चों को ना कोई बहाना चाहिए होता है सेलिब्रेशन का। और वहाँ इंडिया में भी वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पर ना बच्चे फिर सोचते हैं हम नहीं कर रहे सेलिब्रेट, मम्मा आदित्य अक्षत मिस करते हैं। सो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं भी घर में सेलिब्रेट कर लेती हूँ अपनी नीज का बर्थडे। सो मेरी ब्यूटीफुल नीज है अनायशा, एंड नाउ दिस ईयर वो 2 ईयर्स ओल्ड हो गई है। मैंने ना उसका एक लास्ट ईयर भी वीडियोज बनाया था उसके फर्स्ट बर्थडे का, वो भी हमने सेलिब्रेट किया था और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, आप चाहे तो मेरे वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। और अब मैं फिर इस साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और काफी सारी चीजें मैंने बनाने की सोची हैं। कुछ घर में बनाऊंगी, कुछ मैं फ्रोजन बना लूंगी जो जल्दी बन जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। दिन तो ऐसे निकल जाता है ना, पता नहीं चलता छोटे 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 कामों में। सबसे पहले मैं केक बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पाइनएप्पल केक बनाऊंगी। उसकी एक क्विक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, बनाते हैं पाइनएप्पल केक फटाफट से ताकि बच्चों के आने तक बन जाए। और ना मुझे अपनी किचन की विंडो से ना ये बाहर बैठी हुई सीगल दिख रही है, कितनी क्यूट लग रही है ये। सो पाइनएप्पल केक ना मैं स्टैंड मिक्सर में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ना इसमें मिक्स कर लूंगी। इसमें ना मुझे हैंड से ब्लेंड नहीं करना पड़ता, इजीली हो जाता है। तो इसके साथ ये एक अटैचमेंट आई हुई है ब्लेंडर की, आप देख सकते हैं ये वाली। मैंने ऑलरेडी इसमें ना हाफ कप शुगर डाल दिया है। सो मैं इसमें हाफ कप शुगर और हाफ कप बटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ना ब्लेंड करूंगी। सो वो पूरा ना एक बटरी सा मिक्सचर बन जाएगा शुगर और बटर का। सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हाफ कप बटर और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करूंगी। अब मैं इसमें ना 1 by 1 4 eggs डालूंगी और एवरी एग डालने के बाद उसको पहले मैं मिक्स करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट एग डालूंगी। वन एंड हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट और 1 1/2 टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ ये बेकिंग पाउडर और ये 100 ग्राम में इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैंने ये केक टिन में एक बटर पेपर लगा दिया है और अब मैं ये जो मैंने बैटर बनाया था वो इसमें पोर कर रही हूँ। मैं इसको केक बनने के लिए अवन में रख रही हूँ, तो जो मैं टाइमर लगाऊंगी वो लगाऊंगी अराउंड 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। तो निकाल के ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए होगा ना इसको ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग होगी। केक जब तक ठंडा हो रहा है मैं सोच रही हूँ अवन में ही मुझे सारी चीजें बनानी है, तो 1 by 1 मैं सारी चीजें बनाना इसमें स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक ये मैं पैकेट बना रही हूँ अनियन रिंग्स का, ये जो अनियन रिंग्स होते हैं काइंड ऑफ अनियन के पकौड़े ही होते हैं और बस ये फ्रोजन आते हैं बने बनाए, हमें इन्हें अवन में बेक करना है। इनको मुझे बेक करना है 190 डिग्री पर अराउंड 20 to 25 मिनट्स के लिए। सो इनको मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ अवन में, क्योंकि ऑलरेडी वो हीटेड है, अभी उसमें केक बना है, ये बन भी जाएंगी जल्दी से, काफ़ी क्वांटिटी में है। ऐसी चीज़ें बच्चों को तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं और बर्थडे पार्टीज हो ना उनमें तो और मज़ा आता है। सो इन अनियन रिंग्स को मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए। तो मैं ये कुछ बर्गर टाइप्स बंस लेकर आई थी, मैं सोच रही हूँ इनकी ना गार्लिक ब्रेड बना दूँ, इनके ऊपर ना चीज़ थोड़ी सी सॉस और सब गार्लिक वगैरह स्प्रेड करके और कुछ सीजनिंग वगैरह लगा के ना बहुत यमी लगेंगी इनकी ना, मतलब क्विक गार्लिक ब्रेड। तो मैं ना सबसे पहले जो ये बन है इनको हाफ में कट कर लेती हूँ ताकि एक से ना 2 पीसेस बन जाएंगे। इन चारों के ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी टोमेटो सॉस, नाइफ से ना पूरे मैं ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी ये मोजरेला चीज जो कि बहुत यमी लगता है, बिल्कुल प्रॉपर जो रियल गार्लिक ब्रेड होती है उसकी फीलिंग आएगी। अच्छे से मैं फिल कर लेती हूँ पूरा, थोड़ा सा ना मैं ये गार्लिक जो है उसको चॉप करके ना इसके ऊपर डाल देती हूँ। गार्लिक काटा है इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा चारों पे कर दूंगी, उससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरी प्रॉपर गार्लिक ब्रेड वाली फीलिंग आएगी। कि ये अभी कितने यमी से लग रहे हैं और जब ये बन जाएंगे चीज़ गार्लिक उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये क्विक हैक होता है, ऐसे आप ब्रेड के साथ बना सकते हैं या बर्गर किसी भी तरह का अवेलेबल हो आपके पास, ये क्विक गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं घर पे। सो ये हमारे अनियन रिंग्स रेडी हो गए हैं और अब मैं ये गार्लिक ब्रेड इसमें बनने के लिए रख देती हूँ। 180 डिग्री पर मैंने 10 मिनट्स के लिए अलार्म लगा दिया है, 10 मिनट्स में मैं एक बार चेक कर लूँगी कि वो बेक
चीज मेल्ट हो गया है या नहीं हुआ है। जो मैं फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ वो मैं डबल क्रीम से बना रही हूँ, इसको मैं पोर कर लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है उसके अकॉर्डिंग, और मैं इसको विस्क कर लेती हूँ। तो ये साइज में डबल हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट और 3-4 टेबलस्पून मैं इसमें किसी भी चीनी डाल रही हूँ। सो ये मेरी गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इनमें से। तो ये एकदम परफेक्ट क्रीम बन गई है, एकदम स्टिफ हो गई है, पीक बन रही है इसकी, आप देख सकते हैं। अब मैं डेकोरेट करती हूँ केक, केक को डेकोरेट कर लेती हूँ मैं इस क्रीम से। तो फ्रॉस्टिंग तो हो गई है पूरे केक की, क्योंकि ये पाइनएप्पल केक है तो ऊपर पाइनएप्पल से डेकोरेट करती हूँ। सो ये व्हाइट क्रीम के साथ पाइनएप्पल खाने का जो एक फ्लेवर होता है ना, वो अलग ही मजा देता है। और एक्चुअली मेरे बच्चे ना ज्यादा चॉकलेट केक खाते हैं, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया पाइनएप्पल केक। सो वैसे तो इसकी दो लेयरिंग करके भी अंदर भी डाल सकती थी, पर मैंने वो नहीं डाली है क्योंकि पता नहीं आदित्य अक्षत को कैसा लगेगा, फर्स्ट टाइम बनाया उनके लिए पाइनएप्पल केक, वो यूजुअली चॉकलेट और लेमन केक ही खाते हैं। सो आज पाइनएप्पल केक बना है, सो देखते हैं उनको कैसा लगता है। आप फ्रेश पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, मैंने सोचा कि ये ट्राई करती हूँ, बनी बनाई स्लाइसेस आती हैं, देखती हूँ कैसी है। तो मैं ये वाला पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऐसे ये पाइनएप्पल की स्लाइसेस दी हुई है, एक एक मैं निकाल लेती हूँ। सो एक एक करके मैं ये पाइनएप्पल चंक्स इसके ऊपर रखूँगी डेकोरेट करने के लिए, और इसको और सुंदर बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट भी इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूँ, सुंदर लगेगा ये। और ये हो गया है रेडी मेरा पाइनएप्पल केक, उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने पाइनएप्पल और थोड़ी थोड़ी चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर दिया है। सो बच्चों को आई होप अच्छा लगे, चॉकलेट के बहाने वो खा ले पूरा, और जब तक बच्चे आते हैं मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। ये आदित्य और अक्षत आ गए स्कूल से, और ये आदित्य पीछे कनेक्ट करने में लगा हुआ है ऑनलाइन मीटिंग, अभी हम थोड़ी देर में बर्थडे गर्ल से मिलेंगे, बातें करेंगे और उनके साथ केक कट करेंगे। सो बस वही वेट कर रहे हैं हमारा सारे ना इंडिया में। हेलो ब्यूटीफुल बर्थडे गर्ल, हेलो अनायशा, आप तो बहुत प्रीटी लग रहे हो, कितनी क्यूटी क्यूटी लग रहे हो बर्थडे गर्ल, वाह। हेलो, सो ये हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, आप भी हेलो कर दो बर्थडे गर्ल को। हनी का है, हैप्पी बर्थडे अनायशा, डांस कर रही है सारे बच्चों के साथ मिलके। हैप्पी बर्थडे अनायशा लग रही है ना, हेलो कर रही है आपको। तो हम वेट कर रहे हैं केक कटने का, अक्षत को भूख लगनी स्टार्ट हो गई, और आपने नोटिस किया आप दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने, आपने ट्विन किया हुआ पापा के साथ, अक्षु है हम साथ में बैठे हैं और साथ में भी बैठे हो। हेलो हेलो अंशिका, मैंने आपने किसी के साथ नहीं किया, आपने और मैंने। ये आ गया हमारा केक, आ गया खाना, हमारा केक देखो, केक बैलू केक आ गया, आपका केक अनायशा केक बहुत सुंदर है, पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल लॉन्ग पिज़्ज़ा, एक गार्लिक ब्रेड, एक रेसिपी और है, एक डिश और है वो भी लिया, अनियन रिंग्स, हाँ अनियन रिंग्स। अक्षु आपको अच्छी लगती है ना इसलिए बनाई मैंने अनियन रिंग्स, रिंग भी लेके आया भाई, तो अनियन रिंग्स, हाँ अनियन रिंग्स, अनियन रिंग्स, वाओ अनियन रिंग्स, पाइनएप्पल केक और एक गार्लिक ब्रेड, तो बहुत सारी हैं। और यहाँ चल रहा है बर्थडे, हेलो बर्थडे पार्टी, हेलो केक कटने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे ये खाना पीना स्टार्ट हो चुका है, वो बड़ा केक है, वाओ वो बड़ा केक है, हां डॉल वाला केक, बार्बी वाला केक है, हम भी काट लेंगे साथ में अपना केक, हां है ऑलरेडी आधे से ज्यादा खस प्रहनियन रिंग खत्म हो चुके हैं, पता चला सारे खत्म हो गए, और लंच चल रहा है हमारा, हां केक के लिए मैंने फर्स्ट बर्थडे में तो रो दी, हाँ तो आज तो बहुत हैप्पी है, बच्चे दिख रहे हैं ना उसे, आदित्य हाथ लगा लो, ज्योति हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनायशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनायशा, बाय करो, थैंक यू बेलू, केक खा लो बुआ का बनाया हुआ, मैं खा लेता बेला की दया, इतना बड़ा बड़ा यम्मी है,
पाइनएप्पल भी खा के देखना ठीक है साथ में। फ्रेश अच्छा लगता है ना फ्रूट्स केक। ये मेरा है। हेलो। बहुत स्वाद केक बना है। आई तो क्या कंट्रोल कर रहे हो? पावर पॉइंट। लगे हुए सब खाने में। हाँ। बहुत ही यम्मी केक है। हाँ। कैसा है आज? सुपर डिलीशियस। बर्गर नहीं होती सिंपल उन्हीं से बनाई है। बहुत टेस्टी लग रही है। बाहर की लग रही है ना? और ये आदित्य ने अनायशा के लिए बर्थडे प्रेजेंटेशन बनाई है। आदित्य हाथ से क्यों चला रहे हो? मैं ऊपर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम वीडियो मिल जाए। हाँ उसको चला दो ना। और ये अनायशा आ गई हमारी क्यूट सी छोटी सी अनायशा। बहुत अच्छी बनाई है आदित्य तूने। आदित्य साउंड बिल्कुल नहीं आ रही बेटा। साउंड आ रही नहीं है कोई साउंड इसमें। कोई म्यूजिक नहीं डाला आपने? सो हम सबका खाना तो खत्म हो गया। हम सब ने बहुत इंजॉय किया ना। ऑनलाइन में भी काफी इंजॉय हो जाता है ना। खाने का तो ऑफलाइन है ना। हाँ खाना तो हम खाते हैं ना। इस बहाने बच्चों का भी सेलिब्रेशन हो जाता है। और ये देखो इस बच्चे में इतनी एनर्जी आ चुकी है। आराम से मस्ती कर रहा है ये खा के अच्छे से। रेस्ट कर रहे हो खा के। नीनी आ गई आपको है अक्षर। तो बस अब खा लिया पी लिया और पूरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। अब हम अपनी वीडियो को ये एंड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब शर्माज लाइफस्टाइल इन यूके। प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी वीडियो पे लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय।